तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हम लोग बर्ड पार्क गए थे। तो बर्ड पार्क से हम जल्दी फ्री हो गए थे घंटे के भर में, और हम निकल गए अलांटे मॉल, जो कि आपको पता ही चंडीलगढ़ के इंडस्ट्रिया के पास है। मेरा सिस्टर और उसकी बहू ये लोग नहीं गए थे ना अलांटे मॉल कभी भी नहीं, तो इन्होंने बोला अलांटे मॉल जाना है। घर भी तो बहुत थी खैर, फिर हम जब निकल गए अलांटे मॉल वहां से, और ये पहुंच गए अलांटे मॉल में। और लेडीज लैंडे मॉल में जाए और आपका कॉस्मेटिक सेक्शन लेना चाहे तो कैसे हो सकता है। बस वो देख रही थी, लिया तो शायद छोटा मोटी चीजें ली है ना, छोटी मोटी आइटम्स ली हैं। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ऊपर आए हैं। तो चलो बता क्या मैंने ना बोला था, ये भी मतलब बोल रहे थे हम लोग ना, लेकिन वहां पे ना 24 आवर्स जो है वो चलते रहते हैं, सॉन्ग चलते रहते हैं। और ये देखो इसका यूवी कोई तो कितना मस्त हो रहा है। अंशुल ने और विक्की ने ना, सिस्टर के बेटे ने, इन्होंने कुछ लिया था, वो ट्राई करने गया ट्राई रूम में, उस अंदर ट्राई रूम में, और ये अपना बाहर डांस कर रहा है। शीशे के आगे ना उसको बच्चे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था खुद को देख रहा था अभी मैं ही हूँ। और ये देखो ये आपका जेंट्स सेक्शन है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। आप जब भी मौका लगे तो जरूर जाए। हम लोग तो खैर कई बार जा चुके हैं, बहुत बार होके आ गए हैं। और अब आप जा रहे हैं उसका सेकंड फ्लोर पे। फ्लोर तो यहाँ पे 4 है, लेकिन हम सेकंड फ्लोर तक ही गए हैं, क्योंकि उसके बाद ना हमें, जैसे हम नीचे आए हैं ना सेकंड फ्लोर पे गए ना, तो हमें कुछ न्यूज सुनने को मिल गई जो कुछ दुखद था। खैर मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगी उस चीज का। तो फिर हम लोग वापिस आ गए थे, लेकिन अभी हमें नहीं पता था, हमें लास्ट मोमेंट पे जाके पता लगा। देख लो वहीं से हम वापिस हो गए, देखना आप। और अब जा रहे हैं हम आपका, ये देखो सेकंड फ्लोर पे मतलब पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे भी मतलब छोटी मोटी शॉपिंग की है, सिस्टर ने भी अपना एक ड्रेस लिया है और इन्होंने छोटा मोटी आइटम्स लिए है। बाकी तो खैर ज्यादा शॉपिंग हमने नहीं की है, क्योंकि इन शास्त्री की शॉपिंग जो है वो इनको ज्यादा भाती है, बच्चे के लिए भी करनी थी। बस वैसे ही घूमे हम लोग यहाँ पे, और इतनी क्राउड थी, वीकेंड था ना कि नेचुरली जो संडे था, तो संडे को रश होता ही होता है बहुत था। और वो ना बच्चों का वो लगा हुआ है आपका, ये डायनासोर वाला शो चल रहा था यहाँ पे, तो यूवी ने भी इंजॉय किया और अच्छा लग रहा था। बस जब हम यहाँ पहुंचे ना, अभी हमने थोड़ी देर हुई थी यहाँ पहुंचे हुए, अभी शूट वूट किया हुआ था मैं कर रही थी ना, और लास्ट में अंशुल को पता लग गया था। पर अंशुल को पता है अभी मम्मा जो है वो टेंशन लेके बैठ जाती है, अंशुल ने मुझे नहीं बताया, मुझे लास्ट में बताया है। और अब हमें पता लग गया, तो वही पता लग गया, हमें लास्ट में बता दिया अंशुल ने मुझे। और हम जा रहे हैं अब वापिस जा रहे हैं, वहीं से वापिस हो गए, ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं गए, हमने नहीं वो किया क्योंकि मन ना बहुत खराब हो गया था। तो बस पर चलो मैं ना ये कर रही थी शूट पीछे वाला कर रही थी, और ये पीछे खड़े थे तो खुश हो रहे थे, हमें भी मतलब वो कर लो। दिवाली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। कविता ने गुड मॉर्निंग नहीं बोली, गुड कविता राधे राधे बोलते, गुड मॉर्निंग नहीं बोलनी। हाँ तेरी तो राधे राधे बहुत शुरू हो गई थे, इतनी छुड़ दी इतनी क्या हो, राधे राधे इतनी कर जा कर जाए कदी तो कर जाए, मुझे याद रखियो यादाश्त। चल गुगु राधे राधे बोलो, जय करो जल्दी से जय करो। हाँ जी राधे 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 राधे। तो जी हाँ गुड मॉर्निंग, अरे राधे 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 अम्मा, देखो हमारा बच्चा राधे राधे करता है, बड़ा गुगू राधे राधे। उसको शीशे में बाबा काका दिख रहा है, राधे राधे शीशे में काका दिख रहा है, राधे राधे दिखा तो काका दिखा, राधे राधे बोलो काका, राधे राधे। तो जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत, आप लोगों का दिन शुभ हो, आशीर्वाद दो हमारे यूवी को सब, यूवी जय कर रहा है सबको। तो बस आज के दिन की शुरुआत होगी, और हमारी शुरुआत हम लोग कहीं वो आपको जाने आगे दिखने को मिल जाएगा भी हम कहाँ जा रहे हैं आज, और ये प्लानिंग कहीं जाने की। और इसको नहाना है, तो नहाने के लिए इतना वो होता है, खुश होता है बंदा, लाओ जी बस नहाना बोल दिया तो भागेगा। तो ये देखो पैकिंग शुरू हो गई है कि वो देखना आपने किस 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 ने बच्चा ऐसा बच्चा देखा हो, उसको नहाने को बोलो तो फटाफट फटाफट नहा नहलाओ तो वो रोना शुरू कर देता है। ये चलो चलो भाई चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और एज यूजुअल तो चलो मिलते हैं आपको आगे जाके, हम लोग जा रहे हैं गर्मी से निजात पाने, कहाँ जा रहे हैं कहानी वो चलो हमारे साथ चलो। और देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं कहीं, दो तीन दिन से प्रोग्राम था पर बारिशें बुरशें करके हमारा प्रोग्राम डिले हो रहा था, अभी जाएं कि नहीं जाएं, अब कौन कौन जाता है क्या क्या है वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपको आगे। A few moments later. जी किचन वालो बंद कर दिया, बंद कर दिया भाई, कहाँ से आ रहा है? आपने ऑन किया था, मैंने तो बंद किया। अच्छा अच्छा ओके ओके, रिबू ने बंद कर दिया था, मैंने ऑन कर दिया बेल सुन के। तो शेफ साहब लगे हैं आपका ब्रेकफास्ट की तैयारी, लाइट लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएंगे क्योंकि सफर करना है। और वो लगे बनने
सैंडविच और सैंडविच ये देखिए वाला ब्राउन ब्रेड के, और ब्राउन ब्रेड पता है क्या है, इंडिया की नहीं है बाहर की है, और मैं सबको बोलूंगी 2-4-5 रुपए का फर्क है इसमें ना, जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं ना वो सब क्या बोलते हैं हेल्दी वाले हैं, वो शुगर वुगर कुछ नहीं है। और ये देखो होगी तैयारी सैंडविच की, और सैंडविच अच्छा ये देखो शिमला मिर्च है, प्याज है, मेयोनीज लगाई है नीचे इसमें, पता नहीं क्या क्या है वो तो यही जाने इसलिए मैं नहीं बोल सकती। और ये देखो ये देखो ये देखो है चलो, और ये देखो कचरा में फेंका, ये तू कचरा, ये पानी दिया जा रहा है नीचे। देखो जी सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, ताई जी जो है वो बड़ी मम्मा मतलब ताई जो है वो अपने देखो नाश्ते में लगी है, और बच्चा ना, और ये बच्चा नन्ना मुन्ना बच्चा भी ना भाई, चाइल्ड लेबर हो रही है यहाँ पे ठीक है। और देखो वो झाड़ू लगाने में लगा है, उसने कहा भी मैं भी जितना योगदान मैं दे सकता हूँ मैं उतना देता हूँ ठीक है। हाँ लगा लो झाड़ू लगा लो, शाबाश। हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा शुरू कर दी हमने, सिस्टर ने लगाया था पीछे, गर्दन में दर्द होती है ना, सर्वाइकल है तो उसके लिए लगाया था, निकाल रही है। और हम लोग निकल गए हैं तो बस आगे ना उसने गाड़ी में सॉन्ग्स लगाए थे, मुझे पता नहीं पिछले दो ब्लॉग्स में ना कॉपीराइट आया है, हो सकता है सॉन्ग्स वगैरह लगे हो, क्योंकि लगे होते हम लोग जो ट्रेवल कर रहे होते हैं ना दिमाग से निकल जाता है। तो ये देखो हम बोल रहे थे जय माता दी, तो वो भी अपना रेचल बाहर खड़ी ना, क्योंकि रेचल नहीं जा रही साथ में, तो वो रेचल को बाय कर रहा था बुआ को। बस हम निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं गर्मी से निजात पाने, जैसे कि आपको बताया था हम जा रहे हैं यूके, और यूके में कहाँ जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं हम नैनीताल और आपका नीम करोली बाबा जी के, बस जल्द एकदम से इमीडिएट प्रोग्राम बन गया है। और पहले तो खैर मना ही कर रहे थे क्योंकि जैसे बारिश हो रही आप लोगों को पता है, तो बस फिर बन गया एकदम से, सुबह सुबह ही बना है हमारा, इसलिए हम लेट हो गए, 11 बजे निकल रहे हैं। पर चलो आगे होम स्टे वगैरह का कर लिया है वहां पे भीमताल में, अंचुल ने पहले बुक करवा लिया है तो वहां रुक जाएंगे, तो चलते हैं बस सफर पे अपने। और हैप्पी जर्नी बोलो सारे, जर्नी आ चुके हैं, खैर वहां से हम लोग आ चुके हैं, और ये भी ना बड़ा हो रहा था, खुश हो रहा था क्योंकि आगे जो है वो सॉन्ग चल रहे थे ना, दिमाग से निकल गया था, तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वैसे तो मैं बोल रही हूँ उसमें। और हम लोग अब निकल पड़े हैं घर से, और 11 बजे का टाइम है जैसे कि आपको बताया, और बाय बाय घर को बाय बाय कर रहे थे, रेचल पीछे ही है, रिबू तो जैसे कि आपको पता वो ऑफिस जाती है, ऑफिस चली गई थी, और हम लोग निकल पड़े थे। मतलब चंडीगढ़ में भी ना ये देखो मौसम ना बहुत सही हो रहा था, अच्छा मौसम था, लेकिन उमस थी, तो खैर वहां तक एसी में गए हैं जब तक अपना यूपी नहीं टप गया, बाकी यूके में जाके आगे ठीक हो गया था। बस मैं यहीं तक का दिखाऊंगी आपको, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे की जो सीरीज है, आगे का जो आपका बाबा जी का है, नैनीताल का है, वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी यात्रा रही, तो साथ साथ रहना, बिल्कुल जरूर देखना, नीम करौली बाबा जी के दर्शन भी करवाऊंगी मैं आपको, जरूर करना, बाय बाय।